ये जैसे बीप दे रहा है ना, हाँ, इस बीप में यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को प्रेस कर दो आप, ये हो गया रीस्टार्ट। ये यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया। कंपनी वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, आपके आर ओ में कोई फॉल्ट नहीं होता, ये टाइमर एक्चुअल क्या होता है कि ये टाइम सेट होता है एक तरह से, 300 घंटे, 350 घंटे, 400 घंटे चलने के बाद ये बीप करता ही है। लेकिन कंपनी वाले या बहुत से मैकेनिक ये करते हैं कि वो आपको आके कहेंगे जी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है, सेडिमेंट कार्बन ख़राब हो गए हैं, चोक हो गया है, पंप ख़राब है, और अननेसेसरी उसको चेंज करके आपसे पैसे वसूल लेते हैं। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर पानी का फ्लो कम है, टीडीएस ज़्यादा हो रहा है, आपको पानी का टेस्ट चेंज लग रहा है या टाइम ज़्यादा ले रहा है, तभी आप नोट करें कि ये चीज़ें बदलवाएं। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि घंटों के हिसाब से टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ये अपने आप बीप करने लग जाता है। वो बीप करता है तो उस समय आप इसको रीस्टार्ट कर दें जैसे मैंने बताया है, इससे आपके नाजायज़ जो पैसे लगते हैं वो बच जाएंगे। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं कहूँ तो, लूट चल रही है।